कौन? प्रकाश का समूह। देखिए राज्य का ही नाम है भी, ये कोई और अर्थ नहीं है। जो नूर है वो प्रकाश है, जो जमाल है वो समूह के रूप में, यानी प्रकाश के समूह के रूप में श्री राज्य महाराज विद्यमान है। इतना लिखा कि नहीं लिखा? हो गया, कितना लिख लिया? जिस किसी को भी समझ नहीं आ रहा ना वो पूछे, समझ रहे ना? जब कुछ नहीं था तो कौन है? अब मैं पूछूंगा, जब कुछ नहीं था तब कौन है? श्री राज्य भी अवस्था किस प्रकार के, राज्य की अवस्था कैसी है? प्रकाश के पुंज के रूप में, पुंज समझते ना, समूह वही प्रकाश वही आया था ना, तजल्ला, तजल्ला का अर्थ था पुंज, पुंज का अर्थ वही समूह ही होता है। राज्य किस रूप में है? प्रकाश को, जैसे हम सूर्य को स्वर्ण को देखते हैं, राज्य को हम स्वर्ण को देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं? बोलिए तो, नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनका प्रकाश ऐसे तेज भय है कि हम देख नहीं सकते। राज्य का भी रूप हम नहीं देख सकते इस प्रकार से, हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता, समझ रहे ना? इसलिए उनको नूर जमाल नूर तजल्ला इसीलिए कहा, क्योंकि प्रकाश के पुंज है, समूह है, एक लाइट के, एक लाइट के रूप में है वो। तो जैसे उन्होंने सोचा, क्या सोचा? कि मैं स्वयं को प्रकट करूंगा, क्या करूं? स्वयं को, अभी तक राज्य का विग्रह नहीं है, विग्रह मतलब शरीर नहीं है परम धाम के हिसाब से, जिसको नूरमय शरीर कहते हैं, वो कुछ भी नहीं है। तब राज्य महाराज सोचते हैं, मैं इस प्रकाश के पुंज से ही क्या करूं? प्रकट हो जाऊं। जैसे प्रकट हो गए तो इस पुरुष को क्या कहा? वही प्रकाश के समूह से प्रकट हुई उनको क्या कहा? श्री राज कहा। एक नाम है उसी को, उस स्वरूप ही श्री कृष्ण कहा, उसी को ही धनी कहा, इसी स्वरूप को बहुत नाम है। जैसे हमारे भी नाम अलग अलग होते हैं कि नहीं होते? घर में क्या होता है नाम? क्या होता है? हाँ, घर में नैतिक, बाहर में, बाहर स्कूल में नैतिक, घर में होगा कुछ ना कुछ तो होगा, पक्की बात है। देखो घर में बाबू है, तो ऐसे ही राजी महाराज को हम प्यार से सखियां क्या बोलती है? वैसे नाम परमात्मा का, बैठो बच्चे, बैठो, खड़े नहीं होना। राज्य का मूल नाम क्या है? श्री कृष्ण है, समझ रहे ना? क्योंकि देवचंद्र जी महाराज को निज नाम में क्या दिया? मेरा नाम कृष्ण है, मैं कहां रहता हूं? अनादि अक्षरातीत में रहता, ऐसा कहा कृष्ण ने, वो भीतर में आएगा। इसीलिए कृष्ण जो परमात्मा है उनका मूल नाम क्या है? श्री कृष्ण है। परंतु सखियां सबसे प्यार राज दिल में राज करते, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? राज्य कह दिया, समझ गए ना? जब कुछ भी नहीं था उन्होंने सोचा कि मैं ये हो जाऊं तो वहां से प्रकट जैसे हो गए तो राज्य महाराज के गुण आ गए। ध्यान से देखना, और इधर थोड़ा प्रोजेक्टर में भी देख लेना आप लोग। जब राजी महाराज जैसे प्रकट हो गए, देखो हम दिखाई देता है, देखिए ना लाइट की वजह से, राजी जैसे प्रकट हो गए, अब देखिए श्री कृष्ण श्रीराज के गुण, गुण यानी क्वालिटीज, समझ गए ना? जैसे कोई भी व्यक्ति होगा तो उसका गुण क्या होगा? आप लोगों को कितने को गाने आता है, भजन गाने आता है किसी को? हाँ, वो भी कराएंगे दिन में, हाँ 3 बजे से 5 बजे। और किसको प्रवचन करने आता है? प्रवचन आता है किसी को? किसी के ऊपर बोलना, किसी शब्द के ऊपर बोलना आएगा? नहीं आता। हम प्रवचन भी दे देंगे, आप याद कर लेंगे, हम तैयार करके लाए आप लोगों के लिए, ठीक है? अलग अलग टॉपिक पे लेके आए। और किसको डांस करने आता है? हाँ, लगभग सभी को आता है। और गरबा किस किस को आता है? गरबा सभी को आता है कि नहीं? ये सारे चीज भी करेंगे हम बीच बीच में, समझ गए? 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक 2 घंटे ये काम करेंगे। कभी रास खेले, कभी गरबा किया, कभी डडिया किया। डडिया आता है किसी को? डडिया आता है? डांडिया आता है? वो झंडे है, डंडे उठा करके मारना आता है? आता है, वो भी करना है, वो भी सिखाएंगे, ठीक है? आप लोगों को भी कराना है।
परंतु आपको साथ साथ में क्या भी करना है, इस विषय को भी ध्यान देना है। समझ गए? किस किस को श्री कृष्ण याद हो गया, श्री कृष्ण सच्चिदानंद किस किस को याद हो गया, इतने सारे को याद हो गया। तो एक बार आप बोले दो उठ करके, सदा। अरे हमने याद करा, उससे पहले याद तो नहीं था, पहले ही याद था। एक बार ताली बजाई दे इनके लिए। हाँ, ऐसे याद करते रहना चाहिए, ये सभी बच्चे याद करना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, आप लोग स्कूल जाओगे, कॉलेज जा रहे हो, बस आप लोगों का कोई काम नहीं है, सेवा पूजा में बैठना, इतना सारा कुछ करना नहीं है। आपने क्या बोलना है, राज्य के आगे खड़े होना है, हाथ जोड़ना है, नेत्र आंख बंद करना है, और क्या बोलना है, हे राज्य महाराज आपका ही नाम है, श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख लो हे आत्मा। इतने बोल करके राज्य को प्रणाम, माथा टेक करके प्रणाम करके आप स्कूल में जाएं, दिन भर स्कूल की पढ़ाई करें, फिर रात को सोने से पहले बिस्तर में बैठेंगे ना, फिर क्या बोलना है, वही श्री कृष्ण सच्चिदान। आपके लिए इतना ही है, समझ गए ना। परंतु थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए कुछ अलग बात भी, इतना तो आपको आता ही है। तो मैं यहाँ कह रहा था, राजी महाराज जैसे प्रकट हुई, वहां तो दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं, दिखता है नहीं दिखता ना, लाइट ज्यादा है, मैं यहाँ लिख दूंगा थोड़े थोड़े। देखिए, जैसे राजी महाराज प्रकट हो गए, यानी स्वयं को प्रकट किया, स्वयं ने राजी को किसने प्रकट किया, राजी को किसने प्रकट किया, बनाया, स्वयं बने, स्वयं प्रकाश से बने हैं, प्रकाश के कुंज से बने हैं कि नहीं। जैसे वह बने तो उनमें क्या क्वालिटी आया, कहते हैं राजी महाराज के विशेष करके 9 गुण हैं, ठीक है, राजी के 9 क्वालिटीज है। जैसे मैं कह रहा था ना, आपको गाने आता है, किसी को प्रवचन करने आता है, किसी को गरबा करने आता है, किसी को ड्रॉइंग सुंदर बनाने आता है। अभी ड्रॉइंग में कौन फर्स्ट हुआ, ड्राइंग में फर्स्ट कौन हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, अभी किसने बताया ही नहीं। अच्छा, कोई ना कोई तो होगा, पक्की बात है कि नहीं। तो किसी को ड्राइंग करने आता है, अब मुझे सबसे ज्यादा क्या आता है, आपने आपको लेना, आपको सबसे ज्यादा क्या आता है, प्रवचन करने आता है, प्रवचन और भजन आप लोगों को। ऐसे ही राजी महाराज को क्या आता है, देखिए अब समझ रहे ना, हमें जैसे आता है राजी को आता है कि नहीं। सबसे पहले राज्य में क्या वस्तु है, तो कहते हैं एक चीज है राज्य का, वो तो दिखाई दे नहीं रहा है लाइट ज्यादा होने से। राज्य का सबसे पहले क्वालिटी क्या है, सत्य, सत्य यानी, सत्य यानी सत्य यानी सत्ता, किसकी सत्ता, तो राज्य की ही सत्ता, समझ गए, एक सत्य। अभी इसके डेफिनेशन के तरफ जाएंगे, सबसे पहले आप लोगों को ये लिखना है 9 क्वालिटीज क्या है, सत, सीध, आनंद, और किसी को याद है, वहां देख करके भी लिख सकते हैं, सत, सीध, आनंद और अनंत और कॉमर्स वाइज सीरियल वाइज बोले अद्वैत, अद्वैत और सत्सिद आनंद अनंत अद्वैत साकार, साकार सत्सिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन, सबको याद है। तो हम क्या पढ़ाएं, ये राजी के क्या है, राजी के क्या है, क्वालिटीज है। राजी कभी झूठ नहीं बोलते, आप बोलते कि नहीं बोलते, बोलते होमवर्क करके स्कूल में जाते झूठ बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते। अच्छा, छोटे में एक बार बोला था, वो भी क्यों बोला, अब नहीं बोलना, ठीक है। राज्य क्या करते हैं, सत्य बोलते हैं, हमें भी क्या करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम घर में माता पिता के सामने झूठ बोलते हैं, आप लोगों ने विवाह डाल के दूध पिया कि नहीं पिया, बोलेंगे तो आपको पसंद नहीं है तो क्या बोल देंगे, हाँ पी लिया। इसका मतलब राज्य और हम में क्या फर्क आया, राज्य सत्य है, हम क्या है, झूठे हैं, है कि नहीं, हम क्या है,
हमारे में राज्य में क्वालिटी सत्य है, हमारे में क्या है? झूठ क्वालिटी है कि नहीं? अब जो सत्य बोलते हैं वो राज्य के जैसे ही है, फिर जो कभी झूठ नहीं बोलते वो कैसे हैं? राज्य के जैसे ही है। और दूसरी चीज क्या है? सिद्ध। सिद्ध यानी नॉलेज, यानी ज्ञान, ठीक है। सिद्ध का अर्थ क्या है? नॉलेज है, यानी ज्ञान है। समझ रहे हैं? लिख भी रहे कि नहीं? हाँ, यहां नहीं दिख रहा तो वहां दिख रहा है, वहां नहीं दिखता तो इधर बोर्ड में भी दिखिए। सत्य, सिद्ध और एक और वस्तु है राज्य का, वो है आनंद। आनंद कैसा है पता है आपको? मैं महसूस करता हूं, ध्यान से सुनना, आनंद मतलब क्या है? मुझे महसूस होता है यानी फीलिंग होता है, पर मैं दूसरे को बता नहीं सकता। समझ गए? मुझे महसूस होता है परंतु दूसरे को बता नहीं सकता, ऐसा वस्तु क्या है? आपको एक शब्द दूंगा, घी। घी का स्वाद कैसा होता है बता सकते हैं? बताइए, घी का स्वाद कैसा है? मीठा है, नमकीन है, घी कैसा है? खट्टा है? किसी प्रकार का कोई स्वाद आता है इसमें से है? किसी के किसी प्रकार का स्वाद आता है कि नहीं? घी में नहीं आता क्या? इसका मतलब घी में स्वाद नहीं है? हमें घी पिया कि नहीं पिया किसी ने? पिया है, हम खाते पीते हैं घी को, है ना? पर हम बता सकते हैं कि स्वाद कैसे है? आनंद भी ऐसे। समझ गए? आनंद भी कैसे ही है? घी जैसे ही है। घी हम पीते हैं परंतु बता नहीं सकते घी का स्वाद कैसा है, या तो बताइए आपने, बता सकता है घी? नहीं बता सकते ना। ऐसे ही ये जो आनंद शब्द है ना, ये जो आनंद है, ये आनंद भी हम क्या है? बता नहीं पाते, बता नहीं सकते। समझ गए? परंतु महसूस तो होता है। जैसे अब गर्मी हो रही है तो कूलर कम पड़ रहे, कूलर और डाल रहे हैं, आनंद आ रहा है ना कूलर में नजदीक में बैठ के। परंतु अब कूलर का आनंद हम ऐसे ले रहे हैं करके दूसरे को बता पाएंगे? बता पाएंगे? कूलर से ऐसे ठंडी ठंडी हवा आती है कि नहीं? अब कैसी ठंडी आती है? जो गर्मी में बैठा होगा ना, अब जहां हम जहां से आए वहां पे बहुत सर्दी है, अभी भी ठंडी है। अब हम सीधा 41 डिग्री में आए तो हमारा क्या हो गया होगा, है कि नहीं? समझ रहे ना? हम ठंडी जगह से आए जहां पे हमेशा ठंडी ही होती है, गर्मी होती नहीं है। अब वहां से आए गर्मी में, तो अब हम वहां ठंडी वाले लोगों को गर्मी का आनंद ऐसा होता है करके बताना हो तो उनको एक बार जयपुर लेके आना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? जयपुर जब आएंगे गर्मी का आनंद अपने आप मिल जाएगा। ऐसे ही राजी महाराज का आनंद कैसा है करके देखना हो तो कहां जाना पड़ेगा? वहीं जाना पड़ेगा। यहां आनंद नहीं है, समझ गए ना? यहां संसार में आनंद नहीं है। कहां आनंद है? परम धाम कहां है? आकाश में परम धाम है। अच्छा, आप लोगों ने देखा है परम धाम को? किसने देखा परम धाम को? किसी ने नहीं देखा। फिर परम धाम बोल करके याद कैसे हो गया? ऊपर ही है, नीचे नहीं है परम धाम? नीचे परम धाम नहीं है? आपने देखा है? अच्छा, फोटो में देखा, फोन में होगी, ठीक है, अच्छा है, कुछ तो देखा है। किसी ने फोटो में नहीं देखा परम धाम को? सभी ने देखा है, है ना? हाँ, जो आपने फोटो में देखा ना वैसे ही है परम धाम हुआ, ठीक है। और परम धाम है बोल करके हम किधर दिखाते हैं? इधर ही दिखाते हैं कि नहीं? परंतु वहां का आनंद जो वैभव है, जो अभी साहिबी की बात हो रही थी, एक शब्द बोल रहे थे ना साहिबी, उनको देखने के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? आनंद की अनुभूति करने के लिए तो हमें यहां नहीं होगा परम धाम में। देखिए जयपुर का जैसे गर्मी नहीं होगी, है कि नहीं? माथे से पसीने छूट रहे, परम धाम में ऐसा कुछ नहीं है। परम धाम में ठंडी भी नहीं है, समझ रहे ना? यानी आनंद ही आनंद है परम धाम में, इसके सिवाय और कुछ नहीं है, समझ गए ना? यानी हमें परम राजी महाराज के गुण कौन कौन से? तो सत्य, सिद्ध, आनंद, ये तीन गुण विशेष गुण है। नौ गुण में से ये तीन गुण क्या है? विशेष गुण है। ये तीन गुण को ज्यादा से ज्यादा याद करना, और भी याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं यहां तक जितनी बात बताई वो पूछूंगा आपसे। जब कुछ नहीं था तब कौन थे? श्री राज जी। राज जी थे। किस रूप में थे? प्रकाश। प्रकाश के रूप में थे। थोड़ा सा रास्ता बना देना मेरे लिए, यहां से मुझे चलने में आसान हो। हाँ, राज जी महाराज में गुण कितने? नौ में सबसे लास्ट सुंदर। अरे पक्का है? है? राज्य के नौ गुण किसको याद है? याद है? क्या लिखा फिर? कुछ लिखा? वह देख करके लिखना, समझ नहीं आ रहा है तो। राज्य में कितने गुण है? नौ गुण है। बोलो तो एक बार जोर जोर से सारे मिलके। बिना देखे कॉपी बंद करके बोलो तो एक बार। सत, एक बार मेरे साथ बोलना, सत, शिव, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर। ये क्या है? हाँ, राजजी महाराज के गुण है, राजजी महाराज के क्वालिटीज है। समझ गए? हमारे में क्या क्वालिटी है? मैं गा सकता हूं, एक क्वालिटी है कि नहीं? किसी में तो है नहीं? जिस आप में से कोई सुंदर प्रवचन कर सकता है, ऐसे ही राजजी महाराज में क्या है? ये चीज है। तो थोड़ा सा यहां देखें, अब श्री राजजी महाराज स्वयं को जैसे प्रकट किया उन्होंने, तो सबसे पहले तीन गुण प्रकट हो गए, ठीक है? सद, चिद, ऐसे मैं जैसा डाटा बना रहा हूं आपको ऐसे ही डाटा बनाना है, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है? राजी महाराज में क्या क्या गुण है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? आनंद। अच्छा, आनंद का अर्थ क्या है? क्या बोल रहे हो? जिसको हम बोल के बता नहीं सकता, फिर कैसे बताएंगे? आनंद का अर्थ क्या है? जिसको जिसको हम बता नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। वो तो शब्दातीत भी है, आनंद में ही क्यों व्याख्या नहीं कर सकते? शब्दातीत भी तो है। और बोलो, आप बोलो, क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ में। आपको समझ आ रही है? क्या आया? राज्य कितने बड़े हैं? बहुत बड़े हैं। हाँ, राजी महाराज, इनको ये समझ आया कि राजी बहुत बड़े हैं। राजी के तीन क्वालिटी क्या क्या है? सत, चिद, आनंद। ये तीन जरूर याद रखना, नौ भी याद भी नहीं रहे तो ये चीज आप लोगों ने क्या करना है? याद रखना है, ठीक है? सत का अर्थ राजी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य ही सत्य है। सत का अर्थ ऐसे सत्ता से है, यहाँ सत्ता यानी उनकी महत्व, यानी उनकी आकांक्षाएं, उनकी विविधताएं, समझ रहे ना, विशेषताएं। राजी महाराज क्या है? सत्य है। और एक राजी महाराज का गुण क्या है? सीध है। उनमें अज्ञान नहीं है, वो नॉलेज, इतने सारे ज्ञान रखते हैं राजी महाराज, हमें हमारे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं राजी महाराज, ठीक है? तो ये सीध है। और आनंद क्या है? अनुभव होता है, बता नहीं सकते। अनुभूति होती है, व्याख्या नहीं कर सकते। समझ गए यहां तक? राजी महाराज में ये सब है। तो ये सब के अंदर भी ध्यान से देखना, एक बार यहां मेरी तरफ देखिए। जैसे राजी में ये सत, चिद, आनंद है, ऐसे ही ये सत में भी क्या है? सत, चिद, आनंद है। समझ गए? यानी परम धाम की हर वस्तु में क्या है? ये चीज है। परम धाम के बालू के कंकड़ी में भी सच्चिद आनंद है, समझ रहे? परम धाम के केले के वृक्ष में भी, केलवन में चरचनी में जाएंगे, केलवन की तरफ जाएंगे, यदि संसार में केला का वृक्ष होगा
यदि परमधाम में केला का वृक्ष होगा तो उसमें भी क्या है, ये तीनों गुण है, सत चिद आनंद है, समझ गए। परमधाम में हाथी भी होगा तो ये तीनों क्वालिटीज उसमें है, समझ रहे। यानी परम नाम में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जानवर, ये वस्तु है, सब में क्या है, ये चीज है, सत चिद आनंद है, समझ गए यहां तक। इसलिए परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद, समझ गए ना। अभी मैं गा रहा था ना, परम धाम की भूमिका, एक बार सभी बोले तो, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण, ताली बजाना ठीक है, ताली बजाते गाना, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद, परम धाम की भूमिका, जोर से बोलो, आनंद ही आनंद, परमानंद आनंद ही आनंद, परमानंद परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद, परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, सब चीज आनंद, समझ गए। परम धाम की भूमिका बोलिए, आनंद आनंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिद आनंद, समझ गए। परम धाम की भूमिका, परम धाम में क्या है, परम धाम की भूमिका यानी भूमि कैसी है, परम धाम की भूमिका सच्चिद आनंद, परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद, बोलिए, परम धाम की भूमिका। अरे आप लोगों ने नाश्ता किया हो, काफी देर हो गया है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, क्या क्या खिलाया था नाश्ते में बोलिए तो, कचौड़ी जलेबी और क्या खिलाया, रोज मिल्क, अच्छा है, कैसे कैसे नाम है कि नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं किया इसलिए नहीं गा रहे आप है ना, ब्रेकफास्ट कर लेना सब कल से ठीक है, फिर गा पाएंगे ना। तो राजी महाराज के क्वालिटी कितने हैं, विशेष तीन हैं, ठीक है, उनमें से भी हर क्वालिटी में यानी हर वस्तु में क्या है, ये सारे सच्चिद आनंद है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा सा देखिए, देखिए कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ, कम दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखता तो है पर कम दिखता है। राजी महाराज है, उनका सत है, चीद है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर, ये नौ क्वालिटीज है, समझ गए। अब थोड़ा सा देखिए, ध्यान देखना, यहां भी देखना है, दिखाई दे रहा है यहाँ। जब राजी महाराज ने सोचा मैं क्या हूं, स्वयं को मैंने प्रकट किया, मैं अकेले क्यों रहूं, क्या कहते हैं, मैं अकेले क्यों रहूं, तो राजी महाराज ने सबसे पहले सोचा कि मैं अकेला हूं, मेरा और भी रूप होना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले जो आनंद है ना, इस आनंद में से ध्यान देना, थोड़े बड़े बच्चे थोड़ा देना, छोटे बच्चे तो आनंद के साथ में रहे कोई बात नहीं, हाँ श्री कृष्ण याद करते रहना ठीक है, आपको जिसको याद नहीं है श्री कृष्ण याद करते रहना, बड़े बच्चे इधर देखते रहना। राजी महाराज स्वयं को प्रकट किया जैसे, तो उन्होंने जो आनंद गुण है उनमें से जो सत चिद आनंद है उनमें से एक वस्तु प्रकट किया जिसका नाम है श्यामा। क्या नाम है, आनंद में से, कहां से प्रकट किया, देखिए श्री कृष्ण श्रीराज के जो आनंद है, आनंद में से कौन प्रकट हो गई, श्यामा, श्यामा महारानी प्रकट हो गई, समझ गए, समझ गए कि नहीं, किसको ये याद है, श्यामा जी ना अंग और सुंदर साथ, किस किस को याद है,
कहाँ की चौपाई है बोलिए, किस किस को याद है बोलिए तो, कहाँ की चौपाई है, कहाँ की चौपाई है, ये याद है किसी को? सेवा पूजा, कहाँ सेवा पूजा में भी कहाँ है बोलिए, चरचने में है। अभी तो चरचने हमने पढ़ाया भी नहीं है, पढ़ाएंगे वो भी पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाएंगे, ठीक है। जब राजी महाराज का स्वरूप बना तो आनंद से कौन बनी, श्यामा। वहां भी देखिए कौन बन रही है, प्रकट किया, ठीक है, श्यामा। और वह श्यामा में भी क्या है, अब सच्चिदानंद तो हर वस्तु में है, समझ गए ना, यानी परम धाम की हर वस्तु में सच्चिदानंद है, तो श्यामा में भी क्या है, सच्चिदानंद। देखो यहाँ श्यामा प्रकट हो गई तो श्यामा में भी सच्चिदानंद है, तो वो आनंद से कौन बन रही है, सुंदर साथ, जिसको हम 12,000 विशेष करके कहा गया, ये सुंदर साथ, इसलिए श्यामा जी ना अंग वो सुंदर साथ ऐसा कहा गया, क्योंकि श्यामा के अंग से प्रकट हुई है, समझ रहे ना, श्यामा के आनंद से प्रकट हुए हैं। श्यामा का दूसरा नाम क्या है, श्यामा का दूसरा नाम है एक आनंद, समझ गए, श्यामा का दूसरा एक और नाम है आल्हादिनी शक्ति, क्या बोलते हैं, किस किस को याद था, आल्हादिनी यानी आधा स्वरूप, समझ गए ना, राज्य की क्या है, आधा स्वरूप है, यहां तक समझ आया, मैं रफ कर रहा हूं, देखिए। तो श्यामा के आनंद से कौन प्रकट हो गए, सुंदर साथ, समझ गए, देखिए अब सुंदर साथ, सुंदर साथ को हम किस किस नाम से जानते हैं, यहां देखिए सुंदर साथ का अनंत नाम है, ब्रह्म आत्मा, समझ गए, सुंदर साथ को क्या क्या कहते हैं, एक शब्द है सुंदर साथ। अब ये सुंदर साथ शब्द आपको पता है किसको बोलते हैं, पहले लिखने से पहले मुझे सुने, सुंदर साथ पता है किसको बोलते हैं, नहीं पता है, पता है कि नहीं, ग्वाले को, ग्वाले को सुंदर साथ बोलते हैं, और किसी को याद है सुंदर साथ किसको बोलते हैं, आप लोग सुंदर साथ बोलते सुना कि नहीं सुना, घर में सुना है, तो सुंदर साथ का मतलब क्या है बोलो, जो राज्य को मानते हैं, जो राज्य को मानते हैं इसको सुंदर साथ बोलते हैं, ऐसा है बोलो, जो राज्य को मानते हैं ऐसा सुंदर साथ है, जो राज्य की सेवा करते हैं उसको सुंदर साथ बोलते हैं, इनके ताली बजा दीजिए, तो इन्होंने बड़े अच्छे अर्थ किया, देखिए सुंदर साथ, यहां देखना, एक शब्द है सुंदर, क्या है, एक है साथ, समझ गए, एक शब्द क्या है सुंदर, और दूसरा है साथ, सुंदर का अर्थ क्या है, सुंदर का अर्थ क्या है, सुंदर, सुंदर का मतलब क्या है, खूबसूरत, और स्त्री, हाँ वो सौंदर्य से आया है ना, हाँ पहले सुबह के क्लास में आया था, स्त्री, सुंदर का अर्थ स्त्री भी है, ठीक है, और सुंदर, यहां सुंदर का अर्थ होता है आचरण, क्या है, आचरण, समझ गए, यानी डिसिप्लिन, समझ गए, आचरण व्यवहार, और साथ का मतलब सब लोग एक साथ, साथ का मतलब साथ का मतलब मिलाप, क्या है, आचरणों का मिलाप, उनको क्या कहते हैं, यानी सुंदर सुंदर विचार रखने वाले व्यक्तियों का समूह, समझ गए, सरल अर्थ में, और सुने, सुंदर सुंदर विचार रखने वाले समूह को क्या कहते हैं, सुंदर साथ के समूह कहते हैं, समझ गए, तो ये सुंदर साथ यहाँ जब आया, श्यामा जी ना अंग और सुंदर साथ, ये सुंदर साथ के और नाम क्या है, एक नाम है ब्रह्म आत्मा, ध्यान इधर इधर देखिए, तो प्रोजेक्टर में देखिए, सुंदर साथ का एक नाम क्या है, ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म यानी परमात्मा की आत्माओं को सुंदर साथ कहा, देखिए एक और अर्थ आ गया, पानी पीते पीते ध्यान इधर देना, हा? पानी भी पीते रहिए, और इधर ये इधर भी देखना, सुंदर साथ के एक और शब्द क्या है,
ब्रह्म आत्मा, यानी ब्रह्म यानी परमात्मा को एक दो शब्द है, एक ब्रह्मा है एक ब्रह्म है, समझ रहे हैं? ये कौन है? ब्रह्म है, जिसको क्रिएटर कहते हैं, जो बनाते हैं, जो विशेष करके ब्रह्मा जी का देखा होगा ना आपने विग्रह, दाढ़ी है और चार तीन तरफ सिर देखा होगा आप लोगों ने, देखा कि नहीं देखा? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को जानते कि नहीं जानते? एक वो ब्रह्मा जी है, एक ब्रह्म होते हैं एक ब्रह्मा होते हैं, समझ गए? ब्रह्म परमात्मा होते, ब्रह्मा भगवान होते, समझ गए? ब्रह्मा भगवान है, ब्रह्म परमात्मा है, और ये ब्रह्म आत्मा यानी परमात्मा की जो आत्मा है, सृष्टि है, सखियां है, ठीक है, उसको ब्रह्म आत्मा कहा। एक और शब्द देखिए, ब्रह्म अंगना, देखिए ब्रह्म की अंगना है यानी ब्रह्म की सखियां है, अंगना यानी सखियां। एक और देखिए, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म की यानी परमात्मा की सृष्टि है, हम हमारे लिए कह रहे हैं सुंदर साथ के लिए, ठीक है, ये कौन है? ब्रह्म सृष्टि। और एक शब्द और दिया, ब्रह्म सृष्टि के एक और शब्द क्या दिया? सखियां, क्या बोलते हैं? सखियां भी है, वही सुंदर साथ का ही नाम है सखियां। और एक और नाम है लास्ट में जो आ रहा था, वो है सुंदर साथ, समझ गए कितने नाम है? ब्रह्मात्मा, ब्रह्मांगना, ब्रह्म सृष्टि और सखिया और सुंदर साथ, समझ गए? सुंदर साथ कहां से प्रकट हुई है? कहां से प्रकट हुई? यहां देखो कहां से प्रकट हो गई? श्रीराज जी के आनंद से श्यामा, श्यामा के आनंद से सुंदर साथ, इसलिए श्यामा जी ना अंग वो सुंदर साथ कहा गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, समझ गए? किस किस को समझ नहीं आया? किस किस को समझ नहीं आया बोलो तो? सबको आया है कि नहीं? अब आया नहीं भी आया तो कहां बोलेंगे मुझे, है कि नहीं? नहीं बोलेंगे ना, फिर मेरे पास आएंगे बोल के नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? इतना इतना लिख लिया ना, अब थोड़ा सा गेम की तरफ जाएंगे, ठीक है? इतना समझे बहुत है। इसको ये जो पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? ये कौन सी क्लास है? विराट दर्शन। ये सारी बात किसमें आ रही है? विराट। देखिए, जब कुछ भी नहीं था, ध्यान से सुना एक बार रिवाइज विराट का, जब कुछ भी नहीं था, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूं आपा बीति। कब की बात करने जा रहे हैं प्राणनाथ जी? जब कुछ भी नहीं था, जब हम भी नहीं थे, हमारे माता पिता दादा परदादा कोई भी नहीं थे, समझ गए? तब क्या था? पूरा ब्रह्मांड कुछ बना नहीं था, वर्ल्ड जिसको जगत संसार अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं बना था। और आगे जो भगवान जितने भी हैं, 34 प्रकार के भगवान हैं, ये भी कोई बने नहीं थे, ध्यान से सुनना, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, देखिए कोई बचा नहीं था, यानी कोई बना नहीं था। तादिन की कहूं, उस समय की बात कर रहे हैं जो कुछ नहीं बना था, तब कौन बने? स्वयं को प्रकाश के पुंज से, यानी वो नूर जमाल नूर तजल्ला ने स्वयं को प्रकट किया, कहां से? वही प्रकाश के पुंज में से अपने को प्रकट किया, समझ रहे ना? यहां तक समझ गए? यहां तक तो वहां से जैसे प्रकट हो गए तो कितने क्वालिटी आए उनमें? क्या क्या था नाम? सत चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन और सुंदर, समझ गए? इतने क्वालिटी, उसमें से तीन गुण कौन कौन से हैं? सत और चित और आनंद। ये आनंद सत चित आनंद में से जो राज्य के जो आनंद है, आनंद में से कौन प्रकट हुई? श्यामा, जिसको हम श्यामा जी कहते हैं। वो श्यामा जी में भी सत चित आनंद है, क्योंकि परम धाम के तो कण कण में सत चित आनंद है, क्योंकि हर वस्तु नूरमय है, चेतन है, शाश्वत है, दिव्य है कि नहीं? परम नाम की हर वस्तु अनंत है, हर वस्तु शाश्वत है, हर वस्तु साकार है, हर वस्तु में सुंदरता ही सुंदरता है, हर वस्तु में नरमा ही नरमाई है, समझ रहे ना? परम धाम की हर वस्तु सॉफ्टनेस है, हर वस्तु में ये चीज सारे विद्यमान है। इसीलिए राजीव ने सोचा कि मैं अकेला परम धाम में रहकर क्या करूंगा? अब सोचो खुद को, संसार में कोई नहीं है, बस मैं अकेला हूं,
क्या होगा? संसार में इतने सारे वर्ड जो है, इसमें सब कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप रहेंगे। मान लीजिए आप अपने को सोचे एक अकेले रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बोलो? इतना बड़ा संसार राज्य बोर हो जाएंगे, इतने कहा बोर हो जाएंगे। क्या बोला? अब इसका मतलब राज्य बोर हो गए? राज्य बोर हो गए नहीं, क्यों? राज्य तो बोर होते ही नहीं है, वो तो अपने आनंद में है। परंतु उनको लगा कि हमें रचना सृष्टि करनी चाहिए, हमें बनाना चाहिए, हम भी तो बनना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो देखना चाहिए ना, है कि नहीं? तो जैसे सृष्टि करना प्रारंभ किया, अपने को बनाने लगे, तो सबसे पहले किसको बनाया? श्यामा को प्रकट किया। बनाएगा मतलब प्रकट किया, श्यामा ने सुंदर सात को प्रकट किया। वही सुंदर सात अब क्या करते हैं, परम धाम में आनंद लेते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? विराट कहते हैं। परंतु परम धाम में क्या क्या करते हैं, कहां कहां जाते हैं, कहां क्या क्या कहें, ये कभी किसी की चर्चा नहीं है। समझ गए ना? राजी महाराज ने हमें कैसे बनाया, ये चीज विराट में, और बनाने के बाद में परम धाम में क्या क्या दिखाया, वो चर्चा नहीं है। समझ गए? सरसनी और विराट में इतना ही अंतर है। अभी आज के लिए इतना ही। अब जितने भी अभी तक हमने किया, जैसे पहले भी हमने किया था, उसी प्रकार से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आपको पता है ना क्या था? बताने की जरूरत है नहीं, है ना? फिर उसी तरह से लाइन लगाए तो जैसे पहले लगाए थे आए। अभी रुको, लाइन बॉयज की एक लाइन लगाएं और गर्ल्स की एक लाइन लगाएं, ठीक है? जैसे बोलेंगे तब शुरू करेंगे स्टार्ट। हाँ, मार्कर दे रहे हैं, मार्कर दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे फिर कराएंगे, छोटे बच्चे का नेक्स्ट होगी, पहले अभी बढ़ेगा, ठीक है? अभी बताएंगे, ये लोग जैसे करेंगे देखते रहे ना। अभी जैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे लाइन लग गई, सब बॉयज आ गए, इनको भी बुलाया जाए। आ जाओ आप लोग, आओ पीछे वाले, आ जाओ भाई, आ जाओ। 12 चाहिए, ठीक है? 12,000 की बात हो रही थी परम धाम में, अब 12,000 चाहिए। लाइन लगे, एक लाइन में लगाए, ऐसे नहीं, एक लाइन बनाए। और इधर जिस तरह से देखो, बहनों ने जैसे लाइन लगाया ऐसे, इस तरफ लाइन लगाओ ना, इस तरफ आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, मेरी बात सुनते नहीं, हाँ, अपने बात में मस्त है। और छोटे बच्चे अभी नहीं, छोटे बच्चों को नेक्स्ट अभी करेंगे, पहले बड़े। अभी मैंने जो विराट में जो क्लास में जो पढ़ाया ना, उसके शब्द लिखने आपको उसी तरह से, ठीक है ना? जैसे पहले किया था दूसरे क्लास में, इसी प्रकार से विराट के क्लास में जो भी पढ़ाया गया, हाँ, लाइन में कोई लेकर रहे हैं, कोई बात नहीं। 12 हो गए इसमें, 2, 4, 6, 8, 10, 12। एक और चाहिए आपके पीछे, एक और रखा है, किसी को रखे, बड़े को रखे, छोटे बच्चे को नहीं, अभी छोटे बच्चों को फिर करेंगे। आ जाओ 22 के लाइन में, आ जाओ। यंग्स का रूल पता है ना क्या है? हाँ, बस दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, एक तरफ रिपीट नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ रिपीट करो, कोई बात नहीं, इस तरफ रिपीट नहीं होनी चाहिए। 12 है तो 12 में देखते हैं अभी। हाँ, पहले तो दोनों इक्वल हुआ था ना, लड़के तीन और चाहिए। आ जाओ जल्दी, आ जाओ बड़े बच्चे, आ जाओ तो तीन, आ जाओ, आ जाओ तीन को लेके आओ, तीन स्टूडेंट और आ जाए। अभी जितने भी जो क्लास में जो पढ़ाया गया उसके वर्ड लिखना है, ठीक है? मीनिंग नहीं चाहिए, बस वर्ड लिखना है, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, इतना जरूरी है। अपनी तरफ
जैसे बॉयज लिख रहे हैं तो बॉयज की तरफ और शब्द वो वर्ड्स रिपीट नहीं होनी चाहिए और गर्ल्स की तरफ भी ऐसे हो गए 12 हो गए। अरे लड़के क्या इतना कंजूसाई क्यों कर रहे हैं? आ जाओ अपने अपने वर्ड याद कर लेना ठीक है। हो गया ये अभी कहानी उन्होंने शुरू होने एक ने एक को देना पीछे मारकर दूसरे को पकड़ा देना जल्दी जल्दी फटाफट हो जाओ। हाँ देखेंगे कौन स्पीड से लिखता है लेकिन गलती नहीं करनी है। अरे ऐसे बताते थोड़ी अपने आप लिखेंगे हाँ थोड़ा कम हो गए ठीक है। अभी कितने हो गए स्पेलिंग मीनिंग जो वर्ड लिख रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए पहले जैसे कहा।